उत्तराखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पिछले करीब दो महीने से जारी सियासी संकट का समाधान निकल सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के दावों में कितना दम है, इसका फैसला भी आज होना है। आज उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरीश रावत को बहुमत साबित करना है। आज दो घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा। फ्लोर टेस्ट के दौरान होने वाली वोटिंग की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। नतीजा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 9 बागी कांग्रेस विधायक आज होने वाले बहुमत परीक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उत्तराखंड में आज होने वाले फ्लोर टेस्ट की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खास निर्देश दिए हैं। फ्लोर टेस्ट की निगरानी की जिम्मेदारी विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपी गई है। विधानसभा में आज होने वाले बहुमत परीक्षण के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने डीजीपी, एमए गणपति और दूसरे आला अधिकारियों के साथ फ्लोर टेस्ट के इंतजामों को लेकर सोमवार को बैठक की। आज विधायकों को विधानसभा में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया को आज विधानसभा में एंट्री नहीं दी जाएगी। विधानसभा में गाड़ी लाने पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा के मेन गेट से स्पीकर समेत सभी विधायकों को पैदल ही विधानसभा परिसर तक पहुंचना होगा। उधर बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी सोमवार को देहरादून पहुंचे। बताया जा रहा है कि नसीमुद्दीन ने हरीश रावत को भरोसा दिलाया है कि बीएसपी के विधायक उनके पक्ष में ही वोट देंगे। नसीमुद्दीन का ये बयान हरीश रावत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर राज्य में सूखे के हालात पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात पर समीक्षा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीते रविवार को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मीटिंग की थी। बिहार के गया में छात्र की हत्या का आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के विरोध में कल एनडीए ने गया में बंद का आयोजन किया और आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार आने के बाद अपराधियों का डर खत्म हो गया है। इस मामले में आरोपी रॉकी के पिता और बाहुबली बिंदी यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि 24 जुलाई को हो रहे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NEE2 में वो छात्र भी हिस्सा ले सकेंगे जो 1 मई को हुई नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET1 में हिस्सा ले चुके हैं। हालांकि ऐसे छात्रों को पहले NEET1 की अपनी उम्मीदवारी छोड़नी होगी। यूपी के अमेठी स्थित सराय राजशाह स्कूल में शिक्षक बीते 8 महीने से स्कूल से नदारद हैं, जिसके चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल यूपी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के रिश्तेदार हैं और बीते 8 महीनों से स्कूल नहीं पहुंचे। हैरत की बात यह है कि कागजों में स्कूल में दो शिक्षकों विजय प्रजापति और नूतन सिंह की तैनाती है। कौशाम्बी में देर रात बस के नीचे आ जाने से दो युवकों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। NH2 पर घटना उस वक्त हुई जब इलाहाबाद से कानपुर जा रही बस को बाइक सवार दो युवक जबरन रोकने की कोशिश कर रहे थे। घटना के बाद सवारियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। उधर बस में आग लगते ही स्थानीय लोगों ने बस की सवारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोकराज पुलिस ने हालात पर काबू पाया। पब्लिक स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। बीती रात कुछ अभिभावकों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि वो बढ़ी हुई फीस वापसी को लेकर अलकनंदा इलाके के KPS स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर वे डायरेक्टर एजुकेशन से मिलने भी गए थे, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने वहां नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसमें कुछ अभिभावकों को चोटें भी आई हैं। इसी घटना के विरोध में वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभिभावकों ने डिफेंस कॉलोनी थाने के SHO सतीश शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गाजियाबाद के लोनी से हिरासत में लिए गए मुफ्ती मजाहिर को रिहा कर दिया है।
मुफ्ती मुजाहिर और उसके भाई ताहिर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में हिरासत में ले लिया गया था। 4 अप्रैल को पुलिस ने इन दोनों को उनके घर से हिरासत में लिया था। 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर मुफ्ती मुजाहिर ने नाराजगी जताई। दिल्ली में 30 अप्रैल को 30,000 कोर्ट के पास लड़की के सुसाइड मामले में एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विजय विहार थाने के SHO रहे दिनेश कुमार सबके सामने लड़की से बेहद आपत्तिजनक अंदाज में पूछताछ कर रहे हैं। पीड़ित लड़की ने अपने सुसाइड नोट पे दिनेश कुमार को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में आयरन की गोलियां खाने से एक लड़की की मौत हो गई। मामला वजीरपुर सर्वोदय विद्यालय का है। स्कूल की तरफ से 4 मई को बच्चों को आयरन की गोलियां बांटी गई थी। ये गोलियां एक हफ्ते में एक लेनी थी, लेकिन एक छात्रा ने अपनी सहेली से शर्त लगाई और 5 मई को 24 से ज्यादा गोलियां एक साथ खा ली, जिससे कल उसकी हिंदू राव अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आयरन की गोली खाने से हुई छात्रा की मौत का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की टीम ने कल स्कूल का दौरा किया। दिल्ली सरकार ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। सरस्वती विहार के SDM जाँच करेंगे। दिल्ली BJP ने कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। BJP का आरोप है कि केजरीवाल 400 करोड़ के टैंकर घोटाला मामले में शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने PM मोदी पर आरोप लगाया था कि वो अगस्ता मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने BJP की तरफ से दिखाई गई PM मोदी की डिग्री को फर्जी करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने BJP से माफी मांगने की मांग की। बता दें कि BJP ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह, अरुण जेटली ने PM मोदी की BA और MA की डिग्री दिखाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी ने उन आरोपों को गलत बताया है, जिनमें कहा गया था कि PM नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद के बाद उनसे जुड़े दस्तावेजों को यूनिवर्सिटी की तरफ से सील कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के संबंध रखने के आरोप में हिरासत में लिए गए 10 युवकों में से 6 को कल पुलिस ने रिहा कर दिया, जबकि 4 युवकों को शनिवार को रिहा कर दिया गया था। इनके खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 3 मई दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और UP से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने द्वारका से अमरजीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स कभी फर्जी IAS अधिकारी बनकर तो कभी खुद को किसी बड़े अधिकारी का बेटा बताकर रौब छाड़ता था। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। 5 मई को पुडुचेरी में कांग्रेस महासचिव नारायण सामी को एक अज्ञात चिट्ठी मिली थी, जिसमें रैली के दौरान राहुल पर हमले की धमकी दी गई। दिल्ली महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार से एक उच्च स्तरीय मंत्री समिति बनाने की मांग की। DCW की मांग है कि इस समिति की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह करें। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कल इस संबंध में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखी। पुणे में पहनावे की वजह से लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुणे में कोंडवा थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल की लड़की से कुछ बदमाशों ने सिर्फ इसलिए बदसलूकी की क्योंकि उसने कथित तौर पर छोटे कपड़े पहने हुए थे। ये घटना 1 मई की है। घाटकोपर और विद्या विहार स्टेशन के बीच 55 साल का एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने उसे पासी के राजावड़ी अस्पताल में एडमिट कराया। होश में आने पर पता चला कि पंकज हजारी लाल नाम का ये शख्स नेवी का रिटायर्ड जवान है। गुवाहाटी एक्सप्रेस से मुंबई आते वक्त किसी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे लूट लिया। महाराष्ट्र के विदर्भ के वाशिम जिले में दलित ने एक नई मिसाल पेश की है। सूखे से जूझ रहे गांव में ऊंची जाति के लोगों ने जब उसकी पत्नी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया तो उसने खुद ही कुआं खोद डाला। प्रशासन अब पानी देने से मना करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोमवार को माड़ा ने मिल मजदूरों के लिए लॉटरी निकाली। 2634 घर के लिए ये लॉटरी निकाली गई। ये घर मिल मजदूरों के लिए मुंबई के वर्ली, लोअर परेल, शिवड़ी, दादर इलाकों में अलॉट किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी पक्ष को अपना जवाब आज फाइल करने के लिए कहा है।
पुणे के मंगल पेट स्लम एरिया में आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। पिछले साल पुणे के एक रिहायशी इलाके में भी आग लगने की घटना हुई थी, जिस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। संगीतकार यार रहमान ने साफ किया है कि ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए आईओए ने अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया। उन्हें सिर्फ मीडिया से ही सुनने को मिल रहा है कि उन्हें रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर के लिए अप्रोच किया गया है। घाटकोपर से अंधेरी के बीच मेट्रो में यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वेस्टर्न मुंबई जाने के लिए लोग दादर रूट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सीधे मेट्रो पकड़ रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखकर यात्री मांग कर रहे हैं कि घाटकोपर से कल्याण के लिए पीक आवर में ट्रेन चलाई जाए। मुंबई में बिल्डिंग्स के सामने के हिस्से से खुली जगह अब कम नजर आएगी। बीएमसी ने डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में सामने के हिस्से में जरूरी ओपन स्पेस घटा दिया है। अब तक बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर होने पर 10 मीटर खुली जगह छोड़नी होती थी, लेकिन अब ये 6 मीटर होगी। मुंबई से सटे थाने में वेट लिफ्टर लक्ष्मी ठाणेकर कमजोर आर्थिक हालत से दो चार हो रही हैं। देश विदेश में खिताब जीत चुकी लक्ष्मी के पास आने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए 90,000 रुपए की एंट्री फीस का भी इंतजाम नहीं है। पंजाब के लुधियाना में एक मामूली सी बात पर कुछ बदमाशों ने एक फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। खबर सोमवार शाम की है, जब फैब्रिक्स फैक्ट्री के मालिक महेंद्र की एक दूसरे फैक्ट्री मालिक से गंदे पानी के घुसने को लेकर कहासुनी हो गई। महेंद्र के बेटे का आरोप है कि उनकी फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से दूसरी फैक्ट्री का गंदा पानी आ रहा था, लेकिन जब मामले का कोई हल नहीं निकाला गया तो उन्होंने पानी पर मिट्टी डलवा दी ताकि गंदे पानी को रोका जा सके। महेंद्र के बेटे का आरोप है कि इसी बात को लेकर दूसरी फैक्ट्री के मालिक ने कुछ बदमाशों को बुलवाकर उनके पिता और उन पर हमला करवा दिया, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने मूर्थल गैंगरेप मामले पर कहा कि हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच में नाकाम रही है और उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण पर दोबारा अपनी मंशा जाहिर की। सैनी ने कहा, हमारी नजर मिशन 2019 पर है। अगर बीजेपी हमारे हितों की रक्षा करेगी तो रहेंगे साथ, वरना अपने दम पर काम करेंगे। जाटों पर हमला बोलते हुए सैनी ने कहा कि उन्हें दूसरी बिरादरी का मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एमएसपी के मुद्दे पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में सूरजमुखी और मक्की की फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही। साथ ही ये भी कहा कि अगर एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदनी तो एजेंसीज पर ताला क्यों नहीं लगा देते। अंबाला में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद थे। समारोह में राजपूत समाज ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने नशे की लत से लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार रखा। ये सेमिनार नवा शहर के लंगड़ोया में किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मनसा का गुरु नानक कॉलेज विरासती मेला का आयोजन कर रहा है। इस मेले में गुरु साहिबान के शस्त्रों की प्रदर्शनी और पुस्तक मेले लगाए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को उनके कल्चर से जोड़ना है। चंडीगढ़ के डडू माजरा में बने डंपिंग ग्राउंड पर खबर दिखाने के बाद नगर निगम हरकत में आई है। नगर निगम ने डडू माजरा की सिविल डिस्पेंसरी में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोग सांस की दिक्कत और त्वचा के रोग के शिकार हो रहे थे। झज्जर के ढीगल गांव में गाड़ी में लॉक होने से दो जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। शादी के कार्यक्रम में शरीक होने आए ये बच्चे खेलते खेलते गाड़ी में घुस गए। गाड़ी का सेंटर लॉक होने से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में विपक्ष के उपनेता बाला बच्चन ने एमपी सरकार पर 158 करोड़ के वेबसाइट घोटाले का आरोप लगाया है। बाला बच्चन के मुताबिक सदन में पूछे जाने पर सरकार ने भी घोटाले की बात मानी, लेकिन पैसा किन किन लोगों को दिया गया ये अभी तक नहीं बताया।
सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी कस्बे में सीवर का चैम्बर ढहने से 3 मजदूर दब गए। हादसे के वक्त वार्ड नंबर 17 में सीवर के चैम्बर बनाने का काम चल रहा था। एक मजदूर को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी दो का पता नहीं चल पाया। छिंदवाड़ा में एक सिरफिरे आशिक ने शादी का फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर शादी रुकवाने की कोशिश की। उसकी वजह से मंडप में काफी देर तक गहमा गहमी बनी रही। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बालोद पुलिस को चकमा देकर फरार रहने वाले कांग्रेस के विधायक भैयालाल सिन्हा ने 39 दिन बाद कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा उनको, और विधायक की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विधायक पर आक्रोश, रैली के दौरान थाना प्रभारी और अन्य पुलिस वालों के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज है। राजस्थान के प्राथमिक राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान में राणा प्रताप महान का पाठ पढ़ाया जाएगा, अकबर का नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब पाठ्यक्रम किसी राजनेता को खुश करने के लिए नहीं होगा। अजमेर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक तरफ मुस्लिम जोड़ों को निकाह पढ़ाया गया तो दूसरी तरफ हिंदू जोड़ों के फेरे करवाए गए। 111 जोड़ों को आयोजन समिति ने 50-50 गज के भूखंड भी दिए गए। जिनेवा में एक 15.38 कैरेट के खूबसूरत और बेशकीमती हीरे को मीडिया के सामने पेश किया गया। इस हीरे की अगले हफ्ते नीलामी होनी है। जानकारों के मुताबिक ये हीरा अपनी तरह का पहला हीरा है जो नीलामी के लिए रखा गया है और इसके लिए $38 मिलियन में बिकने की उम्मीद है। न्यू जर्सी में एक शख्स ने एक लॉटरी ड्रॉ में $429 मिलियन जीते हैं। इस लॉटरी को निकालने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। हालांकि विजेता ने अभी तक लॉटरी कंपनी से पैसों का दावा नहीं किया है, लेकिन लॉटरी कंपनी का कहना है कि जल्द से जल्द वो इस रकम को देने के लिए तैयार है। इंग्लैंड के सक्सेस काउंटी में एक अनोखी रेस देखने को मिली। यहां पहुंचे हजारों लोगों ने ड्रोन रेस में हिस्सा लिया। हर उम्र के लोगों ने इसमें जमकर मस्ती की और इस रेस को जीतने में अपनी जान लगा दी। लोग अपने पसंदीदा ड्रोन को सपोर्ट कर रहे थे और चीयर अप करते नजर आए। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में रविवार को दूसरे इन्विक्टस खेलों का शुभारंभ हुआ। ये अपनी तरह का एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के वो सैनिक हिस्सा लेते हैं जो कभी देश की सेवा करते हुए शारीरिक रूप से चोटिल हुए हैं। इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और मिशेल ओबामा ने दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। पूर्वी चीन के फुजियान में हुए लैंडस्लाइड में अभी तक 31 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 7 और लोगों की तलाश अभी भी जारी है। राहत कार्य में 1000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। वहीं बारिश रुकने के बाद राहत कार्य में तेजी आई है। रेस्क्यू टीम बचाव कार्य के लिए ड्रोन का भी सहारा ले रही है। नासा में कनाडा में लगी भीषण आग की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। कनाडा में अल्बर्टा के जंगलों में लगी इस आग से वहां के वन्य जीवन को काफी नुकसान हुआ है। सोमालिया में पुलिस हेडक्वार्टर में हुए एक आत्मघाती हमले में पुलिस के 3 अधिकारी मारे गए। हमले को आतंकी संगठन अल शबाब ने अंजाम दिया। हमलावर विस्फोटक से भरी एक कार में आए थे। इस हमले में 8 सिविलियन भी घायल हुए हैं। चीन के शहर गुइलिन में बाढ़ से अब तक 500 लोगों को बचाया जा चुका है। रविवार को ही मूसलाधार बारिश की वजह से ये बाढ़ आई। कमर के ऊपर तक बहते पानी और लगातार हो रही बारिश से राहत कार्य में खासी परेशानी हो रही है। 440 फायर फाइटर्स और 26 मोटरबोट्स राहत कार्य में लगाई गई हैं। बाढ़ में कई टूरिस्ट भी फंसे हैं। चीन के जियांगसु प्रांत में आई बाढ़ में फंसी एक महिला के रेस्क्यू के बाद 4 बचाव कर्मियों को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस हादसे में महिला की कार एक गहरी नदी में जा गिरी थी। आजकल चीन के कई इलाके भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। चीन के फुजियान प्रांत में हुए भूस्खलन ने दक्षिण पूर्वी इलाके में एक हाइड्रो पावर स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया। लैंडस्लाइड की वजह से यहां लगातार हो रही बारिश बताई जा रही है। बॉलीवुड का ब्रेकअप सीजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अलग होने वालों की लिस्ट में उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना भी शामिल हो गए हैं। उपेन ने ट्वीट कर अपने ब्रेकअप की खबर पर मुहर भी लगा दी है।
मुंबई में फिल्म का प्रमोशन करने के बाद सरबजीत के स्टार्स अपने फैंस के बीच अहमदाबाद पहुंचे। हाल ही में ऐश्वर्या को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर देखा गया। बनारसी साड़ी और ज्वेलरी में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को अपनी बहन रिया कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। सोनम कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाली हैं। 11 से 22 मई तक चलने वाले इस फेस्टिवल को लेकर सोनम कपूर काफी एक्साइटेड हैं। न्यूली वेड बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर हनीमून के लिए मालदीव पहुंच गए हैं। मालदीव से दोनों की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। हाल ही में फिल्म हाउसफुल 3 की स्टारकास्ट ने बड़े ही ग्रैंड लेवल पर फिल्म के गाने को फैंस के साथ लॉन्च किया। इस इवेंट में अक्षय ने बड़े ही फनी अंदाज में सवालों का जवाब दिया। फिल्म 3 जून को रिलीज हो रही है। मदर्स डे की शाम बॉलीवुड की मम्मियों के नाम रही। यहां सेलिब्रिटी मॉम्स अपने बच्चों के साथ एक म्यूजिकल इवेंट में पहुंची। माधुरी दीक्षित अपने दोनों बेटों के साथ यहां नजर आई। शिल्पा शेट्टी अपनी मां और अपने बच्चों के साथ शामिल हुई। फिल्म मेकर सिद्धार्थ रॉय कपूर और एकता कपूर के साथ कई सेलेब्स इस इवेंट का हिस्सा बने। दीपिका पादुकोण ने अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ द जैंडर केज के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। दीपिका की एक तस्वीर आउट हुई है जिसमें वो रियल गन के साथ एक्शन सीन की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक कंगना ऋतिक के झगड़े के चलते विद्या बालन के पति और फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर उनसे नाराज हो गए हैं। दरअसल विद्या ने इस विवाद में कंगना का साथ दिया है। वहीं सिद्धार्थ ऋतिक के अच्छे दोस्त हैं जिसके चलते वो विद्या से खफा हो गए हैं। एक्ट्रेस सोनम कपूर का कहना है कि वो हॉलीवुड फिल्मों में फिलहाल काम नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से सही रोल नहीं मिल रहे हैं। मल्लिका शेरावत ने अपनी शादी की खबरों को अफवाह बताया है। खबर थी कि मल्लिका ने पेरिस के रियल एस्टेट बिजनेसमैन सिरिल से सीक्रेट तरीके से शादी कर ली है। इस बात पर भड़की मल्लिका ने ट्विटर पर लिखा है कि अफवाहें फैलाना बंद करें।